हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा आपको बताऊंगा एक ऐसी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी से जुड़ी खबर जो है तो आईएएस, लेकिन उसकी जो सेल्फी होती हैं वो कई कई बार मोदी जी से भी ज़्यादा लाइक, हिट्स और रिट्वीट लेती हैं, लेकिन आज उनके घर पे सीबीआई छापा पड़ा है। कौन है वो आईएएस अधिकारी, अगर आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे बी चंद्रकला, इनकी आपने फ़ोटोज़ देखी होंगी तमाम मीडिया साइट्स पर, कैसे कैसे इनके बारे में खबरें छपती हैं कि जब मेट्रो में सफ़र किया तो ऐसी सेल्फी खींची कि 76,000 लाइक्स मिले। अब वो सेल्फी देखिए, ये मेट्रो वाली इनकी सेल्फी थी, 76,000 उस वक्त तक लाइक मिले थे। तो मीडिया इनकी तारीफ़ों से भरी पड़ी रहती है। और मैं आपको बता दूं कि आईएएस हैं, साउथ की रहने वाली हैं, करीमनगर की और आंध्र प्रदेश की, तो ऐसे में बहुत हिट रही हैं। और इसकी वजह रही, जब बुलंदशहर की डीएम रही तो इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें घटिया निर्माण की पोल खोल रही थी और एक ठेकेदार को हड़का रही थी। उसके बाद एक और इनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का इनका फ़ोटो लेने की कोशिश करता है, सेल्फी खींचने की कोशिश करता है, उसको डांट रही हैं। एक पत्रकार से विवाद का वीडियो वायरल हुआ। तो ये इतनी हिट हो चुकी हैं और एक इन्हें कई कई बार मीडिया में, सोशल मीडिया में सिंघम, लेडी सिंघम, आप देख रहे हैं, मीडिया लिख रही लेडी सिंघम बी चंद्रकला का फ़ोटो ऊपर वायरल हुआ। ये कुल 10 लोगों को फॉलो करती हैं, 895,000 यानी करीब 9 लाख के आसपास इनके फॉलोअर्स हैं। जो जिनको वो फॉलो करती हैं उनमें गिनती के एक दो आईएएस हैं, ट्विटर वेरीफाइड अकाउंट है, आईएएस एसोसिएशन है, मोदी, योगी और अखिलेश यादव, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। तो ऐसे में अब बड़ी खबर आई ये कि इनका जो इनके घर पे सीबीआई का छापा पड़ा है, जो योजना भवन के पास सफायर अपार्टमेंट है लखनऊ में, जो 101 नंबर का इनका फ्लैट है, वहाँ पे सीबीआई की टीम ने सुबह सुबह छापे मारे और कई शहरों में छापे मारे। वजह क्या है? वजह ये है कि जब वो हमीरपुर में डीएम थी 2012 में, उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार थी, उस वक्त जो मोरंग के ठेके होते हैं उन मोरंग के ठेकों में ई टेंडरिंग व्यवस्था थी, लेकिन उसके बावजूद उसमें घपला हुआ, अनियमितता पाई गई और उसके बाद हाईकोर्ट ने वो बाद में ठेके रद्द कर दिए अनियमितता पाते हुए। और ऐसे में घेरे में आ गई है वो डीएम जिनके जरिए ये ठेके दिए जाते हैं मोरंग के। तो ऐसे में अगर बी चंद्रकला, क्योंकि उस वक्त घर पे नहीं थी और कई जगह छापे पड़ रहे हैं, तो क्या निकल के आता है, सीबीआई की टीम जगह जगह छापा मार रही है। तो ऐसे में सोशल मीडिया पे जो उनकी इमेज बनी हुई है, अब वो संदेह के घेरे में आ गई है कि अगर सीबीआई उन पर कार्रवाई कर रही है तो वाकई में क्या वहाँ कुछ है। ये जब भी आएगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।